नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में। आज के दिन की बात करें, आज के दिन शेयर में एक अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। 1% तक ये शेयर हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। इस शेयर का अगर पहले 1 मंथ का चार्ट पकड़ो तो आप ये देखोगे शेयर में हमें कंसोलिडेटेड फेज देखने को मिला। पहले 6 मंथ का चार्ट पकड़ो तो शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। अब आपके क्वेश्चन है कैसे को होल्ड करके चलना चाहिए, तो आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, कल के दिन शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने मिली, आज के दिन भी शेयर में ऊपर जाता हुआ देखने मिला। इसके पीछे वजह क्या है, तो इसके लिए लेके चलता हूँ पहले इसकी न्यूज पे, जहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बताया गया है कि रुपये 10 के भाव पर विदेशी निवेशक ने छोटी कंपनी के खरीद डाले 4.5 करोड़ शेयर, रॉकेट बना भाव आपका है दाव। दोस्तों, इस कंपनी में बताया गया कि रामा स्टील ट्यूब में FII ने एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है, एक अच्छी खासी बाइंग की है, इन्वेस्टमेंट होती हुई देखने को मिली है। छोटी सी कंपनी और इससे छोटी सी कंपनी में एक अच्छा खासा अमाउंट लगाया गया है FII की बदौलत, जिसके बाद कल के दिन एक अच्छी खासी तेजी आज के दिन भी शेयर में ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात देखने को सामने आती है। FII का मानना कि आने वाले समय में ये शेयर हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, और उसी के साथ जिस हिसाब से कंपनी से जुड़ी हुई एक अपडेट भी आती हुई देखने मिली थी। अपडेट क्या थी, तो जहां यहां पे आप देखोगे यहां पे बताया गया कि डिफेंस सेक्टर में कारोबार करेगी कंपनी। कंपनी ने हाल ही में बताया था कि हम डिफेंस सेक्टर में भी काम करते हुए देखने मिलेगा, और जिस हिसाब से इस टाइम डिफेंस सेक्टर को बूस्ट देखने को मिला आने वाले समय में, अगर कंपनी ने अच्छा खासा काम करा तो ये पैनी शेयर आने वाले समय में 20 रुपये भी जाता हुआ देखने मिल सकता है, जो कि आपके पैसों पर एक अच्छा खासा इंटरेस्ट भी दिखा सकता है। तो जिस हिसाब से FII की बाइंग और कंपनी से जुड़ी हुई अपडेट देखने को मिल रही है, मैं आपको ये बोलूँगा अगर आप इस शेयर को बाय करना चाहते हैं तो इस शेयर को बाय करके चल सकते हैं। आने वाले समय में ये शेयर एक अच्छा खासा रिटर्न का आकर दे सकता है, तो अगर बाय करना चाहते हो तो ऐसे फिर जरिए इस शेयर में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। 200-300 रुपए से शुरुआत कीजिए, जैसे जैसे शेयर ऊपर जाता जाए वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट करते जाइए, ताकि आने वाले समय में आप इस शेयर से अच्छा खासा रिटर्न ले पाएं। सो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।